मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ में जो मानहानि का एक याचिका दाखिल की गई थी उस पर जो है आज मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस केस पे कई बार पहले भी सुनवाई हो चुकी है लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। आज के लिए बोला गया था कि 22 नवंबर को जो है हम इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अभी जो है फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरफ से पब्लिक के सामने आ चुका है जिसमें कोर्ट के द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि जितने एविडेंस अभी उनके पास में मिले हैं उसको देखते हुए वो नवाब मलिक को पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। मतलब कि उनके द्वारा ये बोला गया है कि नवाब मलिक ने जो भी एलिगेशन समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के ऊपर लगाए हैं उसको वो पूरी तरह से गलत नहीं है, ये जो है कोर्ट के द्वारा बोला गया है। यही नहीं, आपको बता दूं कि जो समीर वानखेड़े के पिताजी हैं उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करने की डिमांड की थी और इनके द्वारा जो लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं इसको भी रोक लगाने की बात की थी। तो इस पर भी कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जैसा कि उनके खिलाफ में ऐसा कुछ भी अभी तक मिला नहीं है कि उन्होंने कोई भी गलती की है या कोई मतलब जो भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा शेयर किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए हम जो है नवाब मलिक के ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया है और ना ही वो नवाब मलिक के द्वारा जो भी पोस्ट किया जा रहा है उस पर रोक लगाएंगे। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये एक बात जरूर कही गई है जहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि नवाब मलिक आगे से जो भी डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली से रिलेटेड अगर शेयर करते हैं तो उसको पहले पूरी तरह से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही पब्लिक के साथ में शेयर करें। ये मतलब कोर्ट के द्वारा अभी जो है फाइनल डिसीजन सुनाया गया है। अब देखते हैं इस पर आने वाले टाइम पे और क्या कार्रवाई होती है। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे, इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।